मेरा नाम है बेयर गिल्स। मैं पहले चाइनीज आर्मी में था। मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और आंधी जैसे बर्फीले समंदर को पार किया है, पर आज मैं जा रहा हूँ नील नदी के दक्षिणी छोर पर। दुनिया के दूर दराज इस बीहड़ से निकलने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, खड़ी चट्टानों पर चढ़ूंगा। काफी मेहनत लगी। खाने की तलाश में हर संभव कोशिश करूँगा। क्या बात है, मैं यहाँ आपको बच निकलने के गुर सिखाऊंगा। हर साल यहाँ हजारों राफ्टर, क्लाइंबर और रोकर आते हैं जो यहाँ आकर फंस जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन हालात में कैसे जिंदा रहा जाता है। मैं अभी कैलिफोर्निया की विशाल पर्वतमाला की ओर बढ़ रहा हूँ। 6.5 लाख मीटर में फैला ये विशाल चट्टाने पर्वतमाला और पानी के टापू, मैं इनके बीच भटके हुए सैलानी की भूमिका निभाने वाला हूँ। आप यहाँ बिना किसी सर्वाइवल स्किल्स के एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ काफी पानी दिख रहा है, मगर ये जरूरी नहीं कि यह शुद्ध हो। यह रुका हुआ पानी है, इसलिए इसमें जानलेवा बैक्टीरिया हो सकता है। सेना के मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही एक झील से पानी पी लिया था और फिर एक हफ्ते तक वो उल्टी और दस्त से परेशान रहा था। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता, मैं इसे उबाल कर इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि इस पहाड़ में किधर से उतरने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। धूप की गर्मी से चट्टानें भी कमजोर पड़ गई है। अगर आपको किसी ऐसे ही ढलान को पार करना है तो हर कदम सावधानी के साथ रखें। यहाँ काफी फिसलन है, मगर मुझे इस पहाड़ से जल्दी नीचे उतरना होगा। यहाँ काफी पत्थर है और ये है ग्रेनाइट की चट्टाने। मैं अभी करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ। हालांकि यह जगह काफी बंजर और वीरान है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो आपको हैरत में डाल देंगी। प्राचीन काल में भारतीय मादाएं अपने नर को काबू करने में इसका इस्तेमाल करती थी। इसको देखते ही नर अपनी औकात में आ जाते थे, इसे अपने साथ रख लूं, शायद ये मेरे किसी काम आ जाए। इस तरह की चीजें मिलना यहाँ काफी आम बात है। अभी तक तो मैं आसानी से बढ़ रहा था, पर अचानक मेरे सामने आ गई एक विशाल चट्टान। इसका तल 400 फीट नीचे है। घूमकर पैदल जाने में कई घंटे लग जाएंगे और मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मुझे यहीं से छलांग लगाना होगा। जब इस तरह से नीचे उतरना हो तो कोशिश कीजिए कि आप किसी नुकीली चीज से ना टकराएं और जरूरत पड़े तो हाथों का भी सहारा लेते रहें। ये देखिए, ये एक बेहद शक्तिशाली रंग है। नर जिस भी मादा के खोपड़ी के बीच के हिस्से में इसको भर देता था, वो मादा पूरे जीवन के लिए उसी की हो जाती थी। जबकि कुछ लोगों का दावा ये भी था कि वो मादाएं एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 जन्म के लिए उस वर की हो जाती थी। पता नहीं कैसे 7 जन्म तक झेल लेती होगी, मैं तो एक ही लाइफ में परेशान हो गया, तभी तो इन पहाड़ों में घूम रहा हूँ। वो देख रहे हैं, आपकी हालत भी उस कुत्ते जैसी हो सकती है जो घर का रहा ना घाट का। अपने दोस्तों के बीच अपनी धाक जमाने के लिए वो उस पार तो चला गया, लेकिन अब वापस आने में उसकी फटी पड़ी है। ऐसे में आप भी ऐसा प्रयास बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपकी हालत भी उस कुत्ते जैसी हो सकती है। जब आप इस तरीके की जगह पर फंस जाते हैं और सामने तेज बारिश हो रही हो और आपके सामने कोई भी रास्ता ना हो, तब आपको कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। कभी कभी ना चलना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के प्लेइंग कार्ड को आप अकेले ही खेले, अगर आपने इसे किसी और के साथ खेला तो आपकी टापरियां बिक जाएंगी। इन पत्तों की वजह से ही मेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी चली गई और उसका बिजनेस भी चला गया, यहाँ तक कि वो खुद चला गया। मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ से सब तरफ से रास्ता बंद है। अब मुझे इस तेज बहाव वाली नदी को ही पार करके जाना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि तेज बहाव वाली नदियाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं। आप इनसे सीधा मुकाबला ना करें। इसे पार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आगे बढ़ते हुए आप एक मंत्र का जाप करें, ओम गर्लफ्रेंडाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपके सारे संकट दूर हो सकते हैं। जब कोई रास्ता न हो तभी आप इस तरह का जोखिम उठाएं। मुझे अभी और नीचे जाना है और पश्चिम की ओर जाना है।
जब आप इस तरह की खतरनाक नदियों को पार करके आते हैं तभी आप असली हीरो कहलाते हैं। मेरी किस्मत बुलंद है, मुझे आगे जाने का रास्ता मिल गया। मैं अभी तक शायद 2000 फुट नीचे आ चुका हूँ और किसी भी पहाड़ से नीचे जाने का तरीका है नदी के किनारे किनारे जाना। लेकिन मुझे सावधान रहना होगा, इस तरह की नदियाँ आगे जाकर या तो घाटी में गिरती है या वो तेज झरनों में बदल जाती है। यह मलेशिया की कोरल चट्टानी ट्रायंगल का हिस्सा है, वो काफी बड़ा है, करीब करीब ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है इसे पार करने में।